गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा बचा हुआ कल का काम करने वाले हैं। कल तो आपको पता रहेगा कि मैंने पूरी तरीके से मेरे जितने भी पॉन्ड के अंदर के जो फिशेस थे, जो छोटे छोटे थे, जिसने लेटेस्ट जो बेबी थे उसको बड़े फिश को हमने पूछा, इसके लिए मैंने उनको शिफ्ट करके कोई और टैंक में शिफ्ट करने वाला था, बट वो जितने भी मैंने फिशेस पकड़े थे वो फिर से रिटर्न से उसी के अंदर गिर गए। तो आज हम लोग फिर कोशिश करेंगे वो सारे बेबीज़ को कलेक्ट करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने वाले वीडियो में आगे। ये वो पॉन्ड है जिसके अंदर से हमको हमारे जो छोटे छोटे बेबीज है जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जो तैर रहे हैं, उन सारे बेबीज़ को यहाँ से कलेक्ट करने का है और यहाँ से कलेक्ट करने के बाद उनको इसके अंदर शिफ्ट करने का, जिसके अंदर मेरे सारे बेबीज जितने भी मेरे बेबीज होते थे उनको मैं इसके अंदर रख के बड़े करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग के जो हमारे फिशेस हैं उन लोग को कलेक्ट करेंगे और कल की तरह हम लोग थोड़ा केयर बरतेंगे। तो फिशेस को पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक डब्बा जैसा छोटा सा, जिसके हम लोग जिसके अंदर के फिश पकड़ने वाले, पानी का कुछ टेम्परेचर का इशू ना हो इसके लिए हम उसके अंदर का ही पानी लेंगे और उसको रख देते हैं यहाँ पे साइड पकड़ना स्टार्ट अभी। हालांकि क्या है, धूप अच्छे से धूप खिले हुए है, मौसम तो का थोड़ा सा मानसून की इसमें, तो आसानी से हमको सारे फिशेस ऊपर आते हुए दिखेंगे। देखो भाई, एक पकड़ लिया हम लोग ने, एक यहाँ पे आ चुका है और दूसरा भी यहीं पे बाजू में था कहीं। तो चलो अभी फ़िलहाल तो एक ही मिला है, उसको शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे यार। तो देखो यहाँ पे एक बेबी आ चुका है इसके अंदर, मैं अभी इसके अंदर देख पा रहा हूँ कि और भी इसके अंदर बहुत सारे बेबीज हैं, बट अभी वो क्या हो रहा है इसके अंदर इतने सारे प्लांटेशन होने की वजह से ना वो सब नीचे जाके छुप रहे हैं। देखो एक दो और मिल गए तो प्लांट्स के अंदर जाके हेड हो रहे हैं। तो जितने मुझे दिख रहे हैं ऊपर में उन सबको कलेक्ट करके मैं इसको नए वाले पॉइंट के अंदर शिफ्ट करूँगा। देखो एक ब्लैक वाले भी बेबीज है यार गाइस, ब्लैक वाले भी है और कुछ वाइट वाले भी है, कुछ इंपॉर्टेंट गप्पी के भी। देखो अभी इसके अंदर भी देख सकते हो आपका एटलीस्ट कम से कम 3 बेबीज मैंने और पकड़ा हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एक दिख रहा, एक चौथा भी बेबी शायद मिल गया। ओके गाइस, तो 4 हो गए देखो इसके अंदर, और देखो 5वां भी यहाँ पे है। देखो गाइस पूरे 5 और भी बहुत सारे बेबीज इसके अंदर, जो इधर जो अंदर जो हेडिंग प्लेस है उसके अंदर शायद से बहुत सारे हैं, बट अभी मैं कहीं से ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जितने सब ऊपर आ रहे। देखो गाइस यहाँ पे भी 2 नीचे दिख रहे हो गए, देखो एक यहाँ पर है, इसके आसपास ये कहीं से सब, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2, 3-3 शायद एटलीस्ट 1-2 वीक के रहेंगे। देखो गाइस 1-2 छूट गया यार तुम्हारे चक्कर में। ओके गाइस, तो मैं धीरे धीरे जैसा मेरे को कलेक्ट जैसे जैसे मुझे दिखते जाएंगे ऊपर धीरे धीरे आते जाएंगे उनको कलेक्ट करते जाऊंगा। देखो अभी तक मैंने इसको 6 बेबीज़ को कलेक्ट किया हूँ और भी बहुत सारे नीचे। देखो यहाँ पे जो मैंने जावा मॉस लगाया हो ना उसके अंदर, पता नहीं आपको वीडियो में दिख पा रहा है या नहीं, बट मुझे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं जावा मॉस के अंदर भी ढेर सारे बेबीज़ छुपे हुए हैं। तो पर चलो मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ फटाफट से। ओके गाइस, तो आज की जो फिशिंग करने की थी हम लोग इसके अंदर से, जो हमारे पॉइंट के अंदर से जो हमको फिशिंग करने की थी वो फिशिंग हमने पूरी कर ली है कर की तरह पूरी तरीके से। ये देखो गाइस इतने सारे बेबीज़ इसके अंदर थे और भी बहुत सारे बेबीज़ हैं जो अभी हेड हो चुके हैं वो मिल नहीं रहे, बट अभी आप देख रहे हो कितने सारे बेबीज़ हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये 50 बेबीज़ रह गए जो मैंने कल इसके अंदर से पूरे मेहनत से कलेक्ट करके ये इसके अंदर शिफ्ट करने के लिए बस जा ही रहा था कि मैंने उसको यहाँ पे रखा था, एक छोटू का हाथ लगने की वजह से वो सारे फिश इसके अंदर गिर गए। तो आज मैं इनको पूरे तरीके से इन लोग को यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया हूँ, तो अभी मैं उनको शिफ्ट करूँगा इसके अंदर। तो इसके अंदर शिफ्ट करने से पहले इसके अंदर के कुछ ऐसे बेबीज़ हैं ना जो बड़े हो गए हैं फुल, ये जो इसके अंदर जो साइज़ है ना वो देखो ये साइज़ के हो चुके हैं उसके अंदर के, इसके अंदर के कुछ बेबीज़ आपको दिखाता हूँ कलेक्ट करके आ रहा है कि बेबीज़ अरे बहुत एक्टिव हो चुके हैं यार। किधर है यार, हाँ देखो गाइस मिल गया, इसके साइज़ के उसके अंदर के कुछ बेबीज़ हो चुके हैं, जिस जो साइज़ के ये बेबीज़ है ना वो साइज़ के इसके अंदर के कुछ बेबीज़ हो चुके हैं। तो उन सबको मैं भी उसमें से कलेक्ट करूँगा छोटे वाले पॉन्ड में से। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये साइज़ के उसके अंदर के कुछ बेबीज़ हैं जो ये साइज़ के हो चुके हैं, तो उन लोग को मैं कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट करने के बाद उनको फिर ये बड़े वाले पॉन्ड के अंदर रिलीज़ करूँगा, ये वाले पॉन्ड के अंदर।
और इसको तो इसको थोड़ा सा क्लीनिंग करने का है अभी। इसको थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगा, इसका थोड़ा सा वाटर चेंज करूँगा, इसका भी थोड़ा क्लीन करके इसको भी थोड़ा वाटर फिल करूँगा। देखो इसके अंदर कितनी तरीके से एल्गी लग चुकी है। एक्चुअली में ये अच्छी है बेबीज़ के लिए एल्गी, तो मैं ज़्यादा करके इसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख के रहिए जो एल्गीज़ है ना वो बेबीज़ बहुत अच्छे से खाते हैं, और ये गप्पी फिश के जो बेबीज़ रहते ना उनके लिए बहुत हेल्दी रहती है ये गप्पी एल्गी, क्योंकि उन लोगों के लिए खाने में भी ईजी गिरता है, उसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन मिलता है। इसके लिए मैं इसके अंदर की जो लगी हुई एल्गी है उसको तो नहीं करूँगा, क्योंकि उसके वजह से मेरे पॉन्ड में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं, मेरे सारे फिशेस हेल्दी है, मैं उनको टाइम टू टाइम फीड भी कर रहा हूँ और वो टाइम टू टाइम ब्रीड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखो गाइस एक और बेबी यहाँ पे, ये देखो एक और बेबी आ गया, इसके अंदर एक और बेबी आ गया, उसको शिफ्ट करेंगे इसके अंदर। ऐसे तो कोई बदलाव तो है नहीं मेरे टैंक में, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, बस इसके अंदर थोड़ा सा वाटर फिल करूँगा और थोड़े से जो ये वाला मनी प्लांट है और ये वाला मनी प्लांट है इसको थोड़ा सा सेट करूँगा। इसके जो एक्स्ट्रा रूट्स और जो बड़े बड़े इसके जो पत्ते आ चुके हैं उस सबको कट करके थोड़ा सा अच्छा क्लीन करके थोड़ा सा मेंटेनेंस करूँगा, और इसके अंदर जितने भी वाटर जितने भी फ्लोटिंग प्लांट है वो सारे फ्लोटिंग प्लांट को निकाल के रिमूव कर दूँगा, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहते इसके अंदर फ्लोटिंग प्लांट, क्या करो। अभी इनको फीड करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लगाया, थर्माकोल ऑप्शन लगाया, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ। हमारे घर पे वो छोटे छोटे बच्चे लोगों ने पकड़ के उस थर्माकोल को भी तोड़ दिया। फिर बाद में एक और ऑप्शन लगाया था मैंने पाइप का, इसके अंदर मैं पाइप के अंदर इसके अंदर से मैं फीड करता था उनको, बट क्या हो गया, फीडिंग भी सही से उनको हो नहीं पा रहे थे और उसकी बढ़त बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी इसके अंदर से कुछ फ्लोटिंग प्लांट को उठा के मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा, जिससे कि जो हेडिंग प्लेस भी हो जाएंगे। देखो गाइस यहाँ पे एक और बेबी दिख रहा है, न्यू बॉर्न ही है शायद से, अभी डेट चलती रहती है, डेली की ब्रीडिंग चलती रहती है। तो इसके अंदर के कुछ है जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग प्लांट है, जिसके अंदर फिश को अच्छा खासा हेडिंग प्लेस मिलेगा, तो उसको मैं ये वाले पॉन्ड के अंदर शिफ्ट करूँगा, कि ताकि जो इसके अंदर जो बेबीज़ है जो है जो आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे, और इसके अंदर जो ब्रीड हो ये वाले फिशेस ये वाले पॉन्ड के अंदर जो भी ब्रीड होगी वो भी आपको पता चलती रहे। इसके लिए मैं वो सारे फ्लोटिंग प्लांट हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हेडिंग प्लेस हो जाए और इसके अंदर से थोड़ा जो हेडिंग प्लेस है वो निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर हेडिंग प्लेस की इतनी कुछ ज़रूरत तो है नहीं, बस इनको फीड कराने के लिए टाइम पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इतना तो मैं कर ही दूँगा, क्योंकि मैं जब भी फीड करता हूँ तो मैं बस उसको फीड डाल के जाता ही नहीं हूँ, थोड़ा टाइम जब तक उनका पूरा खाना ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं उन्हीं के पास देखते रहता हूँ मच्छी लोगों के ऊपर, उसका क्या किस कोई मच्छी के अंदर कोई बीमारी आई है क्या, कुछ बदलाव आया है क्या, वो सब मैं अच्छे तरीके से पूरा मोनिटाइज करते रहता हूँ। देखो गाइस कितना सारा फ्लोटिंग प्लांट है इसके अंदर, पूरा तरीके से मतलब एकदम फुल हो चुका है। उसके अंदर आप बेबीज़ देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने सारे, क्योंकि हर हफ्ते में हर 15 दिन में कंटिन्यूसली जो है मेरे पास गप्पीज़ उनकी कंटिन्यूसली ब्रीड चालू रहती है। कितने सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आते हैं मेरे पास से छोटे छोटे उसके बेबीज़ लेके चले जाते हैं, कुछ लोगों को दे देता हूँ कुछ लोगों को नहीं देता, इसके बाद प्रॉपर तरीके से टैंक है या फिर जिसको प्रॉपर तरीके से ये करने का है उसी को मैं देता हूँ, जिससे कि वो उसके अच्छे से केयर कर सके। हो चुका है। देखो ये वाला मेरा बेबीज़ वाला पॉन्ड है, जिसके अंदर मैं उसके अंदर जो भी बेबीज़ होते हैं उसको इसके अंदर तुरंत ही शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो एकदम ज़्यादा अडल्ट में बड़े हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला अभी शिफ्ट कर देते, इसके साथ एक छोटा बेबी भी आ रहा है, तो अपन सिर्फ इसी को शिफ्ट ओके छोटा बेबी फिर से इसके अंदर। ओके गाइस तो हम लोग का इसका पूरा साइफन करके इसके अंदर वाटर फिल करके हो चुका है, तो अभी हम लोग जो हमारे गप्पी फिश के बेबीज़ हैं जिनको हम लोग ने इसके अंदर एक्लिमेट करने के लिए रखा हुआ था
जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में हमने उसको बाहर निकाल दिया था, जस्ट लुक एट जादू बस सील मजाक कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग उन फिशेस को इसके अंदर रिलीज़ कर देंगे और इनको अच्छे से फीड करेंगे। फीड करने के बाद और बस अभी और कुछ नहीं कर सकते गाइस, इतना ही कर सकते हैं अभी हम लोग। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो ये हो चुके हैं रिलीज़। टाटा। ओह सब छोटे मोटे चूहों में यहाँ पे घूम रहे हैं। और अभी हम लोग इसके अंदर रिलीज़ कर देंगे अपने थर्माकोल। थर्माकोल रिलीज़ करने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बाद में फिर कभी बताऊँगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।